Okay guys, <coughs> so this channel is made for the people who are who want to earn lot of money by just playing online games or sitting at home. If you are one kind of them, then you can continue with the video. Otherwise, you can leave the channel because as you know what I'm going to tell you, the Friday bonus. तो बताता हूँ सबसे पहले Friday bonus होता क्या है? सबसे पहले छोटा सा बहुत जल्दी बता दूँगा Friday bonus होता क्या है? ठीक है? ये देखो ये Friday bonus है One X bet का. अगर इसमें तुम लोग आठ हज़ार नौ हज़ार रुपये तक जमा करोगे तो हंड्रेड परसेंट बोनस मिलेगा मतलब सौ रुपये से आठ हज़ार नौ हज़ार रुपये तक हंड्रेड परसेंट मिलेगा जितना जमा करोगे उतना मिलेगा सौ का सौ पाँच सौ का पाँच सौ आठ हज़ार का आठ हज़ार लेकिन आठ हज़ार पाँच सौ रुपये से ज़्यादा जमा करोगे नौ हज़ार दस हज़ार बीस हज़ार तब भी आपको मिलेगा आठ हज़ार पाँच सौ के आसपास मतलब आठ हज़ार तीन सौ पाँच सौ जिस दिन फर, जिस फ्राइडे को भी मतलब वो यूरो का जो रेट रहेगा इंडिया में उस हिसाब से वो क्रेडिट कर दें ठीक है तो ये हो गया इसको निकालते कैसे हैं और मैंने निकाला कि नहीं ये भी बहुत ज़रूरी है ना बहुत से लोग वीडियो बना देते हैं और खुद निकाला नहीं दूसरे को बताने चलते तो मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ मैंने निकाला कि नहीं ठीक है देखो अट्ठाईस तारीख को फ्राइडे था अट्ठाइस को मैंने निकाल दिया ये देखो ये लिखा है रिडीम्ड बोनस फंड्स क्रेडिटेड टू मेन अकाउंट मेन अकाउंट में मेरे आठ हज़ार तीन सौ तो तैतालीस रुपये आ गए मैंने सत्ताईस तारीख को मतलब सत्ताईस तारीख को फ्राइडे था फ्राइडे को मैंने जमा किया नौ हज़ार रुपये मेरे को बोनस मिला आठ हज़ार एट थ्री फोर थ्री मिला और यही सैटरडे को खेल के चौबीस घंटे के अंदर वो कवर कर लिया ठीक है निकालते कैसे हैं उसके टर्म्स कंडीशंस क्या है वो भी चलो एक बार फटाफट देख लेते हैं ठीक है बहुत जल्दी बताऊँगा और निकालने की ट्रिक बहुत ईजी है आप लोग मतलब मैंने आठ निकाले इसी तरीके से आप एक भी एक मंथ में कम से कम चार फ्राइडे तो पड़ ही जाते हैं अगर आप नौ नौ हज़ार रुपये निकालेंगे तो छत्तीस रुपये सैंतीस छत्तीस सैंतीस हज़ार रुपये मंथली ऐसे फ्री में मिल जाएंगे बताओ कितनी बढ़िया बात है फिर भी लोग कहते हैं पैसे नहीं है पैसे नहीं है अरे पैसे ढूंढने जाओगे तो मिलेंगे ना आप फ्री में थोड़ी बैठ रहे हैं यहाँ पे फ्री में है लेकिन लोगों को पता नहीं है कैसे मैंने निकाला देखो दिखा दिया ना निकाला कि नहीं वो झूठ वाला काम नहीं है तो फटाफट आ जाते हैं यहाँ पे कंडीशंस क्या हैं कंडीशन ये कस्टमर इन टाइटल ये फला फला लिखा ठीक है ये तो मैंने बता दिया कि सौ रुपये से नौ हज़ार रुपये तक के हंड्रेड परसेंट बोनस मिलता है जितना जमा करोगे ठीक है उसके ऊपर जमा करोगे तब भी उतना मिलेगा और इसके निकालने की ट्रिक क्या है देखो यहाँ पे लिखा टू तो रिडीम द बोनस कस्टमर मस्ट वेगर थ्री टाइम्स ये, ये, ये काफ़ी लंबा है तो मैं इसको शॉर्टकट बता देता हूँ कि जितना जमा करोगे तुम उतने का ट्रिपल अमाउंट करना पड़ेगा खेल के ठीक है कैसे करना है वो एक फोटो में दिखाता हूँ मैंने लास्ट टाइम का फोटो लिया हुआ है और मिनिमम ऑर्ड देखो यहाँ पे लिखा वन पॉइंट फोर जीरो ठीक है यहाँ पे द स्टार्ट डेट्स के पहले पहले तो ये करना चौबीस घंटे के अंदर और कैसे आ जाएगा ठीक है ये फोटो देखो लक्की फ्राइडे ऑफर मैंने जमा किए थे नौ हज़ार रुपये आठ हज़ार एट थ्री फोर थ्री ये सब मिला मैंने फटाफट तीन बेट लगाई थी और तीन बेट में से मैंने एक बेट जीती थी छब्बीस चप्ष छब्बीसों की तीन बेट लगाई थी एक बेट जीती थी जिसका अमाउंट पंद्रह हज़ार दो सौ इक्यावन रुपये मे को मिला था ठीक है पंद्रह हज़ार दो सौ इक्यावन में तब ये नहीं कि मेरे को पंद्रह हज़ार रुपये मेरे उसमें आ जाएंगी टारगेट कंपनी ने कितना दिया है जहाँ पे ये देखो यहाँ पे भी रिजिक्ट पार्टिसिपेशन के ऊपर देखो लिखा है पच्चीस हज़ार उनतीस पहले मेरे को इतना रुपए का खेलना पड़ेगा और उसके बाद जितना अमाउंट बचेगा वो सब तुमको मेन अकाउंट में मिल जाएगा जितना बचा पाओगे तो मैंने अभी कितने का खेल लिया यहाँ पे देखो येलो कलर के नीचे लिखा है दस और हंड्रेड मतलब दस हज़ार सौ रुपये का मैंने खेल लिया अभी मेरे को कितने का खेलने का पंद्रह हज़ार रुपये का मैं और खेल लूँगा और जितना बचेगा उतना खेलने के बाद वो सब मुझे मेरे मेन अकाउंट में मिल जाएगा ठीक है अगर मेरे पास अभी रिमेनिंग बोनस में कितना है पंद्रह हज़ार दो सौ इक्यावन रुपये अगर मैं एक साथ कोई भी बेट लगा दूंगा तो मेरे पच्चीस हज़ार रुपये का मतलब कवर हो जाएगा खेल चूँगा खेल लूँगा मतलब ठीक है लेकिन उसके बाद मेरे पैसे बचेंगे नहीं ना भाई एक रुपया बचेगा नहीं अगर वो पंद्रह हज़ार लगाने के बाद मैं जीत गया तो ठीक है अगर हार गया तो मेरे पास कुछ बचेगा क्या कुछ नहीं बचेगा तो बोनस थोड़ी मिलेगा ऐसे मैच को खेलना है कि पच्चीस हज़ार का टारगेट भी अचीव हो जाए और मेरे मेरे पास कम से कम आठ हज़ार तीन सौ तैतालीस रुपये बच जाए ठीक है ज़्यादा ज़्यादा इतना ही मिलेगा तो उसके लिए ट्रिक क्या है कैसे निकालना है कैसी बैट स्लिप करनी बेट स्लिप बनानी है ये सब ये सब देख लो ठीक है देखो ये हट आट से हटा दो सब ये मैं ऐसे बता रहा हूँ जिन लोग के पास टाइम बहुत कम रहता है ठीक है और उन लोग को रहता है कि बस तीन चार बेट लगा के पैसे निकाल लूँ तो उन लोग के लिए बता रहा हूँ सबसे पहले तुमको क्या करना है नौ दस मैचेस सेलेक्ट करने हैं ठीक है एकमिलेटर में जाके जिनका मिनिमम और वन पॉइंट फोर जीरो होना चाहिए देखो यहाँ पे वन पॉइंट फोर वन वन पॉइंट फोर वन पॉइंट मिनिमम वन पॉइंट थ्री नाइन भी होगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा ठीक है तो सबसे पहले नौ मैच आप सेलेक्ट करें नौ मैच में से जो आपको सब फिर इसके बाद यहाँ जाएँ सेव बेट स्लिप से में करो कोड डाउनलोड हो गया ठीक है इससे क्या फ़ायदा होता है ये बताता हूँ हो गया तुम्हारे इसमें से जो तीन बेस्ट मैच हो उसको एक कॉपी में साइड में लिख लो फिर तीन बेस्ट मैच एक जगह लिखो क्योंकि जो वो एकुमलेटर बनेगा वो तीन तीन का ही सेट में लगा सकते हो तीन से कम अगर सेट में एकुलेटर बनाओगे तो नहीं हो पाएगा ठीक है देखना देखो मैंने पहले ऐसे किया था नौ मैच सेलेक्ट किया ठीक है नौ में से मैंने तीन तीन के सेट बनाए यहाँ पे देखो तीन मैच में तीन तीन में तीन तीन में तीन मैंने तीन मेरे ये तीन बेस्ट मैच थे ये मेरे बेस्ट मैच थे देखो पिलर के नाम से तुम समझ समझिए कि वाकई में ये बेस्ट थे लेकिन तीन के तीन आर गया छब्बीस सौ एक बेट हार गया दूसरे में मैंने लगाया था जॉर्ज बटलर जेम्स विंस और ये एलेक्स हेल्स ठीक है ये इसमें दो जीता एक ये हेल्स वाला हार गया था अगर हेल्स दस रन भी तेरह रन मारने थे हेल्स को बत्तीस पॉइंट लगा था दो कैच पकड़ लेते बीस पॉइंट के तेरह मार देता तो मैं जीत जाता ये हार गया तीसरा मेरा सबसे सब कम उम्मीद मुझे ये थी कि ये नहीं जीतूंगा और वही जीत गया देखो यही वाले मेरे पंद्रह हज़ार नौ छियासी रुपये वहाँ पर बचे थे ठीक है ये जीतने के बाद तो तुम क्या करो सबसे पहले इसमें से एक जगह तीन मैच लिख लो तीन लिख लो तीन लिख लो जैसे मेरे तीन ऊपर मैंने ऊपर के तीन मेरे सबसे बेस्ट है मुझे उम्मीद है कि ऊपर के तीन जीत जाऊंगा ठीक है तो मैं अब छः मैच हटा दूँ ज़्यादा मैच लगा अगर एक साथ नौ मैच लगा सकते हो लेकिन क्या फ़ायदा है नौ मैच अगर एक भी हार गए तो तुम्हारा बोनस का पैसा भी चला जाएगा और कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा तो अभी ये देखो यहाँ पे देखो W2 टू में वन पॉइंट फोर का और था लेकिन अभी कम हो गया ठीक है अभी कम हो गया तब ये मैच लगाऊंगा मैं अगर बोनस के पैसे से तो वो नहीं लगेगा तीन मैच में सबसे पहले बता लूँ तीन से ज़्यादा वाइफ ना लगाएं मुझे मेरे हिसाब से ठीक है तो ज़्यादा आसान है ये तीन मैच है यहाँ पे बेट में जाओ जो भी मैक्सिमम उस दिन का बताए बोनस का कि छब्बीस सौ रुपए लगते हैं ठीक है छब्बीस सौ रुपये की बेट लगा दो उसके बाद इसको डिलीट कर दो ठीक है क्योंकि एक मैच में एक ही बार लगता है सोचो कि वही मैच में इंडिया के मैच में दो बार विराट कोहली भी मारेगा लगा दिया तुमने बोनस के पैसे से और दो मैच अलग से लगा दिया फिर सोचो कि अब रोहित को भी इस मैच नहीं लगेगा न फिर वो तुम्हारे मेन अकाउंट से भी उस मैच में कुछ पैसे नहीं लगेंगे बोनस से अगर जिस मैच में खेल दिया उससे फिर ना मैंने अकाउंट से लगता है ना बोनस से वो मैच खत्म आज के दिन ठीक है जैसे मैंने कोड डाउनलोड किया था कोड पेस्ट किया अब देखो ऊपर के मेरे तीन मैच लग चुके हैं तो वो तो अब लगेंगे नहीं तो उनको हटाना पड़ेगा सबसे पहले ठीक है अब मेरे मुझे लग रहा है कि ये वाले तीन मैच मेरे बेस्ट है नीचे वाले मुझे उम्मीद है कि नीचे वाले में जीत सकता हूँ मुझे उम्मीद है कि ये इसमें से एक हार भी सकता हूँ ठीक है मैं अब इसमें से लगाओ तुम लोग फटाक से ठीक है छब्बीस सौ सत्ताईस सौ जितना मैक्सिमम यहाँ पे देखो दस रुपये से छब्बीस सौ बता रहे ना ऐसे छब्बीस सौ लगा के बेट कर देना ये हो जाएगा फिर इसको डिलीट कर तो, दो दो जगह लग गया फिर तिबारा यही करो फटाक से वही कोड डालो और जो छः मैच लग चुके हैं उनको हटाना पड़ेगा क्योंकि वो मैच तो लगेंगे नहीं ठीक है फटाक से वो छः मैच हटा दो जो ऊपर के तीन मैंने लगा दिए थे पहले वाले में और नीचे के तीन लगा दिए थे ऐसे करके चलो फटाफट बता दो ये हटा दिए अब इन तीन मैच में इस लगाना है अब लेकिन बोनस का पैसा होगा जब लगाओगे तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऑड कम है तो मैं फटाक दे ऑड के लिए क्या करता हूँ मुझे लग रहा है कि अगर ये प्लेयर जीत रहा है तो हैंडी कैप माइनस वन कर देता हूँ कहाँ ये यहाँ पे अब देखो अब तीनों कोड वन पॉइंट फोर से ज्यादा यहाँ पे तीन लगा दो फिर छब्बीस सौ रुपए काटो या ना काटो यहाँ से फिर डिलीट ऐसे करके सेट करना ठीक है ये हो गया मैंने यही किया था यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीन जगह तीन तीन के सेट बनाए मैं एक जीत गया पंद्रह हज़ार नौ सौ छियासी रुपये मेरे हो गए फिर मैं सुबह खेलता गया खेलता गया थोड़े थोड़े पैसे लगाता गया इकट्ठा नहीं लगाना कभी भी इकट्ठा मैं अगर यहाँ पे देखो मैं नौ हज़ार रुपये अगर एक साथ लगा देता तो हार जाता ना कुछ फ़ायदा नहीं तो मैंने सेट में लगाना है सेट में लगाओगे हमेशा फायदा फैदर्थ अगर ये वाले छब्बीस में जीत जाता तो मेरे पास तीन तीस हज़ार रुपये हो जाते तो तीस हज़ार हो जाते मैं दस हज़ार का खेल चुका था एक साथ बीस हज़ार फिर लगा देता तो तीस हज़ार का मैं खेल भी लेता टारगेट भी बेची बचाता दस हज़ार रुपये भी बच जाते आसानी से पैसे आ जाते तो खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं फिर मैं थोड़ा थोड़ा खेलता गया थोड़ा थोड़ा हारता गया जीतता गया देखो बहुत सर इनमें मुझे कम उम्मीद थी यह मैचों में तीन सौ का जीता ये फुटबॉल के हैं मैं थोड़ा आइडिया लगा के लगा दिया बहुत सारे जीते थोड़े थोड़े लगा देते फिर मैं उसमें चौबीस घंटे का टाइम रहता है तो मुझे लगा कि टाइम खत्म हो रहा है तो फिर मैंने चेक किया कि कौन से फुटबॉल मैच आने वाले हैं अभी है, दो तीन घंटे के अंदर ठीक है और एक बात याद रखना जो तुम लोग यहाँ पे नौ मैच सेलेक्ट करना वो मैच चौबीस घंटे के अंदर में ही होने चाहिए ये नहीं कि तीन दिन के बाद मैच हो तो अगर देखो मिसाल के तौर में देखना ये मैच मेरे आज ये मैच जैसे मेरा होता कि दो दिन बाद होता ठीक है ये मैच में जीत भी जाता तो क्या फ़ायदा होता मैं जीत जाता बोनस अकाउंट में पैसे लिख के आते कि पंद्रह हज़ार नौ छियासी के उसके बाद बेट नहीं लगती ना चौबीस घंटे के बाद बेट नहीं लगेगी बोनस से तो कुछ फ़ायदा नहीं होता क्योंकि मुझे और खेलना पड़ता ना टारगेट अचीव करने के लिए तो ऐसे मैचेस सिलेक्ट करना जो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए ठीक है बारह घंटे जैसे जितने टाइम बोनस आए उससे बारह घंटे के अंदर हो जाए ताकि अगर पंद्रह हज़ार रुपये सोलह हज़ार रुपये भी अगर आप जीत जाओ तो आगे का पैस आगे खेलने के लिए पैसे फटाफट बेट लगाने के लिए पैसे हो जाएं और लगा लो फिर मैंने देखा कि ये जापान लीग चालू होने वाली है फुटबॉल की उसमें से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा करता है जापान और चाइना लीग की वो ट्रिक बताऊंगा वो बहुत गजब की उसमें तो बैठे बैठे लूट लोगे पैसा होनेक्स बैट को साल गरीब कर फिर देखो मैंने जापान लीग आई यहाँ पर देखो एक बात ध्यान देना मैंने डेढ़ सौ सौ दो सौ लगा था क्या जापान लीग आई छः छः सौ रुपये की एक एक दो तीन जगह लगाए ठीक है थीके? तीन जगह लगाए दो जीता एक हारा जो हारा हूं उसमें भी देखो सिर्फ एक ही मैच हारा था ये वाला और एक चीज इन सब में देखना मैंने तीन ही तीन मैच लिया है तीन से ज़्यादा नहीं लिया तीन से कम तो हो ही नहीं लगेगा नहीं तीन मैच तो तुम्हें लेना पड़ेगा और सब में ऑड भी देखो वन के नीचे किसी में ऑड नहीं दिखेगा ठीक है तो ये किया फिर मैं थोड़ा थोड़ा फिर मतलब आलमोस्ट मेरे देखो दो हज़ार यहाँ पे आ गया दो हज़ार यहाँ पे आ गया चार हज़ार हो गए पंद्रह हज़ार पहले जीत चुका था देखो होगा उन्नीस हज़ार तक हो गए यहाँ पे कुछ जीते थे इक्कीस बाईस हज़ार रुपये जीत गए और खेलता गया ऐसे ही धीरे धीरे करके खेलता गया हारता गया जीतता गया तो मेरा टारगेट अचीव हो गया मैंने यहाँ पर फिर मैं लास्ट में पच्चीस हज़ार का टारगेट अचीव भी कर लिया और मेरे अकाउंट में बच गए थे तेरह हज़ार रुपये लेकिन वो मिल मिलना था मुझको आठ ही हज़ार रुपये तो बस जैसे ही मेरी बेट सेटल हुई पच्चीस हज़ार का टारगेट अचीव हुआ तुरंत मेरे अकाउंट में आ गए उतने पैसे आठ हज़ार तीन सौ तैतालीस रुपये मेरे अकाउंट में, में दिखाया ना अभी वहाँ पे वो सब आ गए तो ऐसे करके खेला जाता है ठीक है और क्या दिखाऊं ठीक है उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और आसान ट्रिक है ज्यादा कुछ झाम आम का नहीं अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हो कमेंट में देखो तीस हजार रुपये फ्री में तीस हजार तीस बत्तीस हजार रुपये आप फ्री में कमा रहे हो क्या चाहिए इससे अच्छा क्या चाहिए नौ हज़ार रुपये जमा किया चार हफ्ते होते हैं आठ आठ हज़ार रुपये निकालो आराम से फ्री में ऐस करो घूमो फिरो घूमो फिरो ऐस करो जो भी करना हो सब करो इसकी मा का कि ना का जिसको कुछ